गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम प्लेन और लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे, है ना? थ्योरी वाइज तो बस एक ही कंसेप्ट बच रहा था अपना, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन, यही बच रहा था। यस सर। तो लिख लेते हैं इसकी थ्योरी, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, equation of planes bisecting the angle between given two planes, है ना? टू प्लेन कौन कौन से ले लिए, वेक्टर में भी ले सकते हैं, r vector dot n1 vector equal to d and d1 r vector dot n2 vector equal to d, और कार्टेशियन फॉर्म में भी ले सकते हैं, a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन गिवन टू प्लेन्स, तो ये देखो ये तो गिवन टू प्लेन्स हैं, इनके बीच एंगल मतलब एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स, दीज आर टू नॉर्मल्स, इस प्लेन का नॉर्मल इस प्लेन, ठीक है? अब इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा ये प्लेन भी हो सकता है जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करे, और इधर वाला भी ऐसा प्लेन भी हो सकता है जो ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो जो बाइसेक्टर प्लेन होता है, जो बाइसेक्टर प्लेन है उससे जो गिवन टू प्लेन्स के नॉर्मल्स हैं जो उन पर परपेंडिकुलर की लेंथ, या जो गिवन टू प्लेन्स हैं उन पर परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होगी, है ना? बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर लोकस होता है, 2D में भी पढ़ाया होगा सर ने, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन गिवन टू लाइंस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव सच दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट टू द टू लाइंस आर इक्वल। यस सर। उसी तरह जो दो प्लेन के बीच एंगल बाइसेक्टर प्लेन जो है वो भी एक लोकस है फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू द टू प्लेन्स आर इक्वल। तो हमें बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना है, तो बाइसेक्टर पर एक जनरल पॉइंट ले लें पी एक्स वाई जेड, इससे फर्स्ट प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ और सेकेंड प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ निकाले और दोनों को इक्वेट कर, तो परपेंडिकुलर की लेंथ मॉड में आएगी, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस हो, इज इट क्लियर? तो इसलिए फॉर्मूला क्या आ जाता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन इक्वल टू, ये भी मॉड में इधर भी मॉड, लेकिन मॉड हटाएंगे तो क्या लगा लेंगे, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर, इज इट क्लियर? ये मॉड नहीं, मॉड हटा दिया मैंने इसलिए प्लस में, समझ में आया कि सभी को? इक्वेशन ऑफ प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन गिवन टू प्लेन्स, तो टू प्लेन्स आएंगे, कितने प्लेन्स आएंगे, टू, तो इसमें से एक प्लेन ऐसा होगा जो इन दोनों प्लेन के बीच जो एंगल है, जो एंगल एक्यूट एंगल को कंटेन करता है उस एंगल का बाइसेक्टर होगा, और एक बाइसेक्टर वो होगा जो जो हम एक्यूट एंगल पे बाद में बात करते हैं, पहले हम देखते हैं, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, तो दो प्लेन आएंगे, तो उसमें से एक प्लेन गिवन टू प्लेन्स के बीच एंगल जो ओरिजिन को कंटेन करता है, ओरिजिन को कंटेन करने वाले एंगल का बाइसेक्टर होगा, और दूसरा
bisector of that angle which does not contain origin. बात समझ में आई क्या? एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, दो प्लेन आएंगे, उसमें से एक प्लेन जो होगा वो गिवन टू प्लेन्स के बीच उस एंगल बाइसेक्टर का, उस एंगल बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन होगी जो ओरिजिन को कंटेन करता है और दूसरा जो ओरिजिन को कंटेन नहीं करता. क्या ये बात समझ में आई क्या? यस सर. ठीक है, तो ओरिजिन को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालना, ओरिजिन को कंटेन करने वाले. तो उसके लिए जो d1 और d2 है इसको पॉजिटिव बना ले. वैसे कंसेप्ट तो ये है दोनों को सेम साइन का बना ले. सेम साइन मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव है तो दूसरा भी. तो उससे बेटर हम ये बोलें कि दोनों को पॉजिटिव बना लिया, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रिवाइज कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ. यस सर. दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव होगा. तो पर एक्चुअल कंसेप्ट होता है दोनों को सेम साइन का, पॉजिटिव बोलने की जरूरत नहीं होती. पॉजिटिव बोल देने से भी सेम साइन के ही हो गए तो थ्योरी वाइज कुछ भी रॉन्ग, कंसेप्चुअली कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ. राइट, d1 d2 दोनों को पॉजिटिव ले लिया. अब प्लस साइन लेने से जो d1 d2 पॉजिटिव होने के बाद प्लस साइन से जो मिलेगा बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल व्हिच कंटेन्स ओरिजिन, व्हिच कंटेन्स. बात समझ में आ गई? तो अब मैं लिख नहीं रहा हूं माइनस से क्या मिलेगा, विच डज नॉट कंटेन ओरिजिन. समझ में आया क्या? यस सर. नोट कर लें. हो गया. ओके, अब नेक्स्ट है दो बाइसेक्टर आए उसमें से एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा. दो बाइसेक्टर आए उसमें से एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल. तो अगर हमें पहचानना है कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि प्लस साइन से जो निकलेगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, माइनस से जो निकलेगा वो, ऐसा कुछ भी नहीं. किसी प्लस साइन लेने से कोई सा भी आ सकता. तो उसके लिए थ्योरी देखें कि हमारे दो प्लेन गिवन टू प्लेन है पी वन इक्वल टू जीरो, पी टू इक्वल टू. आपने एक प्लस साइन लेकर और एक माइनस साइन लेकर जो बाइसेक्टर्स निकाले हैं वो वी वन इक्वल टू जीरो और दूसरा वी टू. इज इट क्लियर? अब गिवन प्लेन और एक बाइसेक्टर जो निकाला है आपने, ये गिवन प्लेन हो गया और एक बाइसेक्टर मैंने ये जो निकाला, इन दोनों के बीच एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वन इक्वल टू जीरो एंड डी वन. ठीक है, कॉस थीटा निकाला क्या आएगा, ए वन ए टू है ना, निकाल लोगे. अगर कॉस थीटा ग्रेटर देन वन बाय रूट टू आया, व्हाट इज द मीनिंग, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन वन बाय, और एक्यूट एंगल ही निकालेंगे अपन, ऑब्ट्यूस आएगा तो मोड लगा देंगे. ठीक है, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन वन बाय रूट टू, इसीलिए आप मोड भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम. मोड ऑफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन वन बाय रूट टू, और मोड नहीं भी लगाया तो अंडरस्टूड है, हम दो दो प्लेन के बीच एंगल निकालेंगे तो नेगेटिव भी आएगा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो उसको पॉजिटिव. कॉस थीटा इज ग्रेटर देन वन बाय रूट, तो थीटा क्या होगा, लेस देन 45. कॉस थीटा इज ग्रेटर देन वन, एक मिनट गड़बड़ बोल रहा हूं, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन वन बाय रूट टू, तो थीटा क्या होगा, लेस देन 45. वन बाय रूट टू से ग्रेटर. ठीक है स्नेल, अगर कॉस थीटा डिक्रीजिंग ग्राफ होता है तो थीटा लेस देन 45 आएगा. थीटा लेस देन 45 उसका डबल करेंगे तो लेस देन 90 होगा, इसलिए ये जो b1 है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, b1 इक्वल टू जीरो इज द
acute angle bisector. Is it clear? और इस केस में अगर बी वन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है तो बी टू इक्वल टू जीरो विल बी द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर. ओके, और सर दूसरा केस लिखने की वैसे कोई ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, फिर भी लिख देते हैं. कॉस थीटा इज लेस देन वन बाय रूट टू, सो थीटा विल बी ग्रेटर देन 45. सो इन दिस केस बी वन इक्वल टू जीरो इज द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर and b2 equal to 0 will be the acute angle. समझ में आया क्या बच्चों? नोट करेंगे. ठीक है, अब ये जो थ्योरी है इसमें एग्जैक्टली दिक्कत क्या, अगर जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो कि आराम से निकालते रहो, ट्वेल्थ बोर्ड में आया हो, तो उसमें तो आसान है कि दोनों प्लेन भी निकाल लिए, फिर दो में से पहचान लिया कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि टाइम का ऐसा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब क्वेश्चन ही सिंगल ही पूछा हो कि दो प्लेन दिए उनके बीच में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन निकाल, तो पर्टिकुलर थ्योरी हो तो जल्दी आएगा क्वेश्चन कि भाई दोनों ने निकालना पड़े, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ही निकाले डायरेक्ट, तो उसकी कंडीशन आज में आया क्या? तो ये नोट हो गया हो तो कंडीशंस लिख दो, तो क्वेश्चन में वही लगाएंगे तो जल्दी आंसर लिख दे. ठीक है, तो उसमें हम जो दो प्लेन है उनके कांस्टेंट टर्म है जो d1 d2 उसको पॉजिटिव बना लेते हैं. ठीक है, दोनों को क्या बनाया, फिर a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 क्वांटिटी कैलकुलेट की पॉजिटिव बनाने के बाद, ठीक है, इफ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इज पॉजिटिव, और दूसरा केस a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is negative. और अगर a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 जीरो आ गया तो planes perpendicular होंगे, तो ना तो acute angle bisector होगा ना कोई obtuse angle bisector, दोनों right angle bisector हो, right? Plus sign लेने से अगर positive है तो plus sign लेने से obtuse angle bisector मिलेगा, minus sign लेने से acute angle bisector. और अगर ये negative है तो प्लस साइन लेने से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा और माइनस साइन लेने से ऑब्ट्यूस एंगल. समझ में आया क्या? लेकिन डी वन डी टू पॉजिटिव बनाने के बाद की थ्योरी है, प्लस साइन लेने से ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर अगर पॉजिटिव है तो माइनस से एक्यूट एंगल, और अगर नेगेटिव है तो प्लस साइन लेने से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और प्लस साइन लेने से सॉरी माइनस साइन लेने से ऑब्ट्यूस एंगल. समझ में आया क्या? यस सर. बस हम क्वेश्चन में ये लगा देंगे, जल्दी होगा इससे क्वेश्चन, कंडीशन लगाना, लेकिन कंडीशन याद रखना आसान नहीं है, है ना? तो रिवाइज करके करते रहे जिससे याद बनी रहे कंडीशन. ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं. नोट कर ली थी ना सभी ने? लिखेंगे क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन
bisecting the angle between the planes 3x minus 6y plus 2z plus 5 equal to 0 and 4x minus 12y plus 3z minus 3 equal to 0, which contains origin? Which contains origin? कर सकते हैं थ्योरी अभी बताइए करेंगे एंटर. हाँ आंसर आया किसी का? हो गया क्या? बता रहा है कोई आंसर? नंदिनी और उसके पहले अजय, आप लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन हुए बेटा? नेट ओके okay. हाँ चलो इसका आंसर बताओ तो स्नेहिल जल्दी से. स्नेहिल सौम्या 11x स्नेहिल ये तो गलत बता रहे हो. आपने विच कंट हाँ अब ये सही बताया. किसने बताया ये सेकंड में? अभी आंसर चैट में. बिल्कुल ये उत्कर्ष ने सही बताया. 67x minus 162y plus 47y plus 44 equal to 0. है ना? इसमें शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो. देखो सबसे पहले c1 और c2 d1 और d2 पर कांस्टेंट टर्म d1 तो पॉजिटिव है. ये जो d2 है वो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? अब आपका नया प्लेन ये आ गया. प्लस साइन लेने से वो बाइसेक्टर प्लेन आ जाएगा जो ओरिजिन को कंटेन करता है. वो बाइसेक्टर प्लेन आ जाएगा जो एंगल उस एंगल के बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जिस एंगल में ओरिजिन कंटेन ये है. तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 5 अपॉन एंटर a स्क्वायर
माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस थ्री जेड प्लस है ना, तो ये कितना हो गया 144 और 25 169 स्क्वायर रूट 30 49, 36, 49, 7 इधर लाइक 9, 8, 17, 67x माइनस 8, 4, 12, 162 by 26 plus 21 z plus ठीक है, इसलिए मिस्टेक समझ में आ गई क्या? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द bisecting the acute angle, bisecting the acute angle between the planes 3x minus 4y plus 12z equal to 26, x plus 2y minus 2z equal to 9 कर सकते हैं। ये हो गया, सभी का रफ कर दूं। हाँ कर रहे हैं सभी, जल्दी करें फास्ट। हाँ आंसर आया किसी का 22x plus 14y plus 10z, सही तो नहीं लग रहा है, और कोई बताएं 4x plus 38y minus 62z लिखा है आपने, 62z आ रहा है, हाँ 62z सही है वैसे। हाँ 6z आ रहा है या 62z आ रहा है?
62 जेड, ठीक है सही है, समझ में आया तुम्हें कैसे करना है। ये देखो 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 26 है, इसलिए मैं सबको उसको पॉजिटिव बना ले, प्लस 26 है, दूसरे में भी माइनस 9 है तो माइनस है, माइनस 2y प्लस 2 प्लस 9, d1 और d2 पॉजिटिव बना दी। अब कैलकुलेट करूंगा मैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1, a1 a2 3 b1 b2 c1 नेगेटिव नेगेटिव आया इसलिए प्लस साइन से, और प्लस साइन इनमें लेना है, प्लस साइन लेने से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर नेगेटिव आया इसलिए। कितना हो गया 3 माइनस 9x प्लस 12y, ये हो गया 13, फोर एक्स प्लस 38y माइनस 62 माइनस, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो कंडीशन याद रखना बेहद जरूरी, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्ट द ऑब्ट्यूस बाइसेक्ट द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन द प्लेन्स 4x minus 3y plus 12z plus 13 equal to 0 and x plus 2y plus 2z equal to 9, कर सकते हो है ना, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट की जगह क्या कर दिया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, सभी का रफ कर दूं, हो गया तो आंसर बताएं। x plus 35 by minus 10 z minus 156 equal to 0, बिल्कुल सही है ना, इसमें देखो ये d1 तो पॉजिटिव है ही, 9 इधर आएगा माइनस 9 जो कि नेगेटिव है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 9
माइनस नहीं प्लस, ठीक है। ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू कैलकुलेट कर। ए वन ए टू माइनस फोर प्लस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर, ये भी नेगेटिव ही आ गया, माइनस ट्वेंटी टू नेगेटिव। नेगेटिव है अगर तो माइनस साइन लेने से ऑब्ट्यूस एंगल, अपॉन अंडर रूट ऑफ थर्टीन डायरेक्ट लिख दो माइनस साइन, बस कैलकुलेट करो। थर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स वाई प्लस ट्वेंटी सिक्स है, उधर ले गए एक्स, थर्टी फाइव वाई माइनस टेन जेड माइनस ग्यारह बारह। सबको कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? हो गया सभी का रफ करें। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अभी हमने इसके पहले जो इक्वेशन पढ़ी तो ax plus by plus cz plus d equal to 0 cartesian equation of a plane in general, vector may be r vector dot n vector equal to d, r vector dot n vector equal to d ko vector equation of a plane in general form, aur isko hum dot product form bhi, scalar product form bhi bolte hain. ab ye parametric equation of a plane parametric form mein, to isme kya hai ki plane ek point a vector se pass ho raha hai, ek point a se pass ho raha hai jiska position vector, aur b vector aur c vector ke parallel plane, मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों लाइन या दोनों वेक्टर इस प्लेन में लाई कर, इसीलिए बोल दिया पैरेलल। तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालना है। तो देखो प्लेन पे कोई भी पॉइंट ले लिया आर वेक्टर, तो ये तीनों वेक्टर को प्लेनर हो गए, हो गए कौन से तीन, एपी बी वेक्टर और सी वेक्टर, एपी वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर को प्लेनर, राइट। तो अगर ये वेक्टर को प्लेनर होते हैं तो इनमें से किसी एक वेक्टर को रिमेनिंग टू के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बात समझ में आई। एपी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर और पी माइनस पोजीशन वेक्टर, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर स्केल। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन या वेक्टर तो नहीं बोले, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वेक्टर फॉर्म में, तो मैं तो सीधा लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए पॉइंट ए ए वेक्टर एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स, वेक्टर्स और लाइंस एक ही बात, डी वेक्टर एंड सी वेक्टर, यस आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, समझ में आया क्या बच्चों? तो ऐसा फॉर्म लिखा हो, प्लेन बोला हो, तो मतलब ए वेक्टर से पास हो रहा है बी और सी के पैरेलल,
अब हमारी थ्योरी तो पूरी कौन से फॉर्म में, स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू बी, अगर इस फॉर्म में प्लेन दिया है और बोला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन निकालो, तो हमें आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करें, कैसे लाएं, प्लेन किससे पास हो रहा है, ये वेक्टर से पास हो रहा है और बी और सी के पैरेलल है, तो यहाँ एन वेक्टर चाहिए, तो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस। समझ में आया क्या जी, स्केलर आएगा। ये समझ में आया कि सबको, कैसे निकाल लोगे स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म कैसे निकालो, ए से पास हो रहा है ठीक है, डॉट बी और सी जिनके पैरेलल है उनका क्रॉस लिख देंगे, ये एन वेक्टर हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो फॉर्म फाइनली फॉर्म मिल जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। ओके, कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होगा तो आप इसमें कन्वर्ट करके जो भी पूछा हो वो निकाल सकते। हो गया, हो गया सभी का कंप्लीट हो गया। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आज अभी हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं ना, अभी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। द प्लेन एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू फोर इज रोटेटेड थ्रू नाइंटी डिग्री अबाउट इट्स line of intersection with the plane, about its line of intersection with the plane x plus y plus 2z equal to 4, find its equation in new position. क्वेश्चन समझ में आ गया, द प्लेन एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू फोर इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू फोर, फाइंड इट्स इक्वेशन इन न्यू पोजीशन। हाँ, मीनिंग समझ में आया क्वेश्चन का, तो देखिए पहले ध्यान से, इस प्लेन को रोटेट किया, रोटेट कौन सा प्लेन हो रहा है, और वो भी कितने एंगल से, 90 डिग्री के, ठीक है, ये प्लेन रोटेट हो रहा है और किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, इस प्लेन और इस प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट, तो इन दोनों की पहले लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले, निकालना प्लेन की इक्वेशन, ये वाले प्लेन को रोटेट कर दिया, इसके और एक और प्लेन दिया था, दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से 90, तो निकालना प्लेन ही है ना, तो हम पहले इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ सॉरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड, कि इसमें किसी को कोई डाउट, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन
थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, राइट। ये नया प्लेन आया, एक तीसरा इनफाइनाइट प्लेन है क्योंकि इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक थोड़ी इनफाइनाइट प्लेन पास। ठीक है, अब इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं लैम्डा की टर्म्स में, 1 प्लस लैम्डा एक्स प्लस माइनस 1 प्लस लैम्डा वाई प्लस माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा जेड माइनस 4 लैम्डा माइनस 4, क्या ये समझ में आया है क्या? यस सर। ये क्या आया, इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स की इक्वेशन। अब उसमें से वो पर्टिकुलर प्लेन निकालना जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बन, इसके साथ, इसके साथ। ये जो गिवन प्लेन है वो, और ये जो नया निकाला आपने, ये दोनों परपेंडिकुलर। तो कंडीशन क्या होती है, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, right? तो a1 a2 1 into 1 plus lambda, b1 b2 minus 1 into minus 1 plus lambda, c1 c2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा इक्वल टू 3, तो लैम्डा विल बी 3/2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। टू एक्स प्लस 3x, 5x माइनस 2y प्लस 3y, y माइनस 2z प्लस 6z, 4z, पहला प्लेन ये माइनस 4 और था, x माइनस y माइनस z माइनस 4, तो कितना हो गया, 4z 8 माइनस 12, दिस इज द रिक्वायर्ड 5x plus y plus 4z minus 20 equal to 0। क्या कंसेप्ट समझ में आया कि सभी को? कंसेप्ट समझ में आ गया है क्या? ठीक है, नोट कर लें। कंप्लीट, the plane through the intersection of the planes x plus y plus z equal to 1 and 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0 and parallel to y axis
also passes through the point. -3, 0, -3, 3, -3, 3, 2, 1, and fourth option -3, 1, 1. Correct. तो मैं बता रहे हैं ऑप्शन फोर और करने देते हैं. हाँ, इन दोनों के इंटरसेक्शन से सौम्या ने करेक्ट किया ऑप्शन थ्री. ठीक है, और लोग भी कर रहे हैं, जल्दी बताएं, है ना. तो देखें ध्यान से, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाला फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा x, है ना, x का कोफिशिएंट कलेक्ट. ठीक है, अब पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब y एक्सिस के साथ एंगल क्या है, डायरेक्शन कोसाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरसेप्ट फॉर्म से करो तो भी कर सकते हैं. y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई प्लेन होता है तो उसका y इंटरसेप्ट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे प्लेन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z, ये वो प्लेन है जो x एक्सिस को a यूनिट पर, y एक्सिस पर b यूनिट का, और z एक्सिस पर c यूनिट का इंटरसेप्ट. अगर ये प्लेन y एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाएगा, इनफाइनाइट इंटरसेप्ट बनाएगा, मतलब y की टर्म जीरो होगी, y की टर्म होगी नहीं उस प्लेन में, मतलब y का कोफिशिएंट जो है. क्या ये सही है? ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन निकाल लो और फिर वो किस पॉइंट से पास हो रहा है वो देखना. -1/3 2x, 3x, -2x, x,
3y minus 3y cancel, 3z plus z 4z है ना, 3z plus z minus 3 minus 4, चेक कर लो, minus 3 0 minus 3 और minus 4 minus 7 minus, satisfy नहीं हो रहा, 3 minus 4 minus 1 नहीं हो रहा है, 3 और 4 7, देखो x की वैल्यू 3 और y की, y है y 2 कुछ भी हो सकता है, z की 1, तो 3 plus 4 into 1 7 minus, सब कुछ समझ में आया, सभी को समझ में आ गया है? अभी अभी कौन इंटर हुआ है, विशाल मीटिंग में है क्या अपने यहाँ स्टूडेंट विशाल? हाँ अभी अभी तो ज्वाइन हुए भाई विशाल, क्या बात है, बहुत दिनों बाद, ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू माइनस 4 3 1, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू माइनस 4 3 1 पैरेलल टू द प्लेन, parallel to the plane x plus 2y minus z minus 5 equal to 0 and intersecting the line, and intersecting the line x plus 1 upon minus 3 y minus 3 upon 2 z minus 2 upon minus 1 is, options are, है ना, आप लोग करना स्टार्ट करते हैं, मैं जब तक ऑप्शंस लिख रहा हूँ, क्योंकि 4 ऑप्शंस है लिखने में, 4 लाइन लिखनी पड़ेंगी, तो x by plus 4 by 3 y minus 3 y minus 1 z minus 1 upon 1, करेंगे
सही है सौम्य, सही है। हाँ तो सबसे पहले तो देखो माइनस फोर थ्री वन से पास होने वाली नहीं, माइनस फोर थ्री वन माइनस फोर थ्री वन माइनस, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि माइनस फोर थ्री वन से पास ही नहीं हो रही है। ठीक है, अब इन तीनों में से चाहिए अपने को। हाँ, अब पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है वो लाइन, तो क्या होता है मालूम है कंडीशन, ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन इक्वल टू जीरो करके देखो, माइनस वन टू माइनस वन सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन है। फिर ऑप्शन बी भी देखें, थ्री माइनस टू माइनस वन, ये भी सेटिस्फाई और जीरो आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला माइनस थ्री प्लस टू और फिर माइनस थ्री, इसके साथ कर लो, इसके साथ देखना, वन प्लस टू माइनस, ये लो तीनों से ये पैरेलल, तो तीनों लाइन पैरेलल है इस प्लेन की। ठीक है, तो अब अपना काम जो सोच रहा था मैं, कंडीशन चेक करके पता चल जाए नहीं चल रहा, तो अब वो लाइन जो हम लाइन निकाल रहे हैं वो इसको इंटरसेक्ट करती है, इसकी इंटरसेक्टिंग, इस इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इसके साथ कोप्लेनर होगी वो लाइन, समझ में आया क्या? हाँ, ऑप्शन तो सही बताया है। हाँ, लेकिन ऑप्शन टू जज कैसे करेंगे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इसके इसको इंटरसेक्ट कर रही है सर, इससे पॉइंट निकाल लीजिए सर, ये दूसरी जो दूसरी लाइन है उससे लैम्डा के टर्म्स में पॉइंट निकाल लीजिए और एक वेक्टर बना के वो प्लेन के नॉर्मल से जीरो कर दीजिए डॉट टू। ठीक है, बिल्कुल सही, माइनस वन थ्री टू पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, अब इसके भी पैरेलल होना चाहिए अगर इंटरसेक्ट कर रही है ना। ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रही है और एक इस पॉइंट से ही पास हो रही है, तो हम कैसे चेक करेंगे एबीसी कैसे निकालेंगे? एक तो देखो जो लाइन का एलिमेंट है, एक तो आई गई इक्वेशन एल प्लस टू एम माइनस एन इक्वल टू जीरो, अब वो लाइन इस पॉइंट से भी पास हो रही है, यही होगा ना सर? इस पॉइंट से नहीं पास तो यस सर, मतलब ये कांस्टेंट टर्म के उसमें आएगा ना सर पॉइंट, वो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है जिससे इंटरसेक्ट कर, बिल्कुल कहीं भी हो सकता है। तो क्या लिखोगे दूसरी कंडीशन, कैसे बनाओगे एलिमेंट? सर ये जो दूसरी लाइन है इसको लैम्डा के टर्म्स में इसमें एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट निकाल के और उसका उससे वेक्टर बना लेंगे, वो एक पॉइंट तो दिया ही है अपने को माइनस फोर थ्री वन, तो इन दोनों से वेक्टर बना लेंगे और फिर एलिमेंट में रख के मतलब तो dr मतलब, हाँ तो उससे तो फिर लैम्डा निकल आएगा। हाँ तो सर लैम्डा आ जाएगा तो सर वो पॉइंट मिल जाएगा अपने को और दो पॉइंट से फिर लाइन की पता ही अपने को रेशियो निकलेंगे। समझ में आया सबको? करने की जरूरत तो नहीं है, सबको समझ में आ गया क्या बोला है? है ना, लैम्डा निकालना पड़ेगा पहले इस पॉइंट पर, एनी पॉइंट इस लाइन पर एनी पॉइंट, तो क्या आएगा माइनस थ्री लैम्डा माइनस वन टू लैम्डा प्लस थ्री और माइनस लैम्डा प्लस टू, ये एनी पॉइंट आया है ना। तो अब ये लाइन इस अपनी जो लाइन हमें निकालना वो इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और इसको भी इंटरसेक्ट करती, मान ले इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, क्या आ जाएगा माइनस थ्री लैम्डा माइनस थ्री, है ना, डी आर निकाल प्लस थ्री टू लैम्डा और माइनस लैम्डा माइनस प्लस वन, यही हुआ ना, और फिर वन फोर लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस वन इक्वल टू जीरो, कितना हो गया फाइव लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा टू लैम्डा माइनस टू लैम्डा माइनस वन आया, ठीक है, और एक पॉइंट ये है ही, कितना आगे टू प्लस फोर सिक्स डायरेक्शन रेशियो, टू से डिवाइड कर दो थ्री माइनस वन, सबको समझ में आया क्या कैसे किया?
मतलब जो हमें लाइन निकालना है वो जो गिवन लाइन है उसको इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आया क्या? सभी को समझ में आ गया? और वो लाइन इस प्लेन में भी लाई कर पैरेलल है इस प्लेन। सबको समझ में आया क्या कैसे किया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन x by 2 y by 3 z by 4 and perpendicular to the planes containing the straight line and perpendicular to the plane containing the straight line. Containing the straight line x by 3 y by 4 z by 2 and x by 2 y x by 4 y by 2 z by 3 is options x plus 2y minus 2z equal to 0 x minus 2y 5x plus 2y minus 4z equal to 0 correct. है ना, तो आप लोग भी करें, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, इसको कंटेन करने वाले, तो किस 0 0 0 पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो जो इस लाइन को कंटेन करता वो प्लेन भी 0 0 0 से पास हो, तो ए एक्स माइनस 0 प्लस बी वाई माइनस 0 प्लस सी जेड माइनस 0, यानी फिर इस लाइन को कंटेन करता मतलब इसके पैरेलल है,
अब तो ए, हमें एबीसी में एक इक्वेशन और चाहिए, तो कहां से मिलेगी? वो इन दोनों को कंटेन करने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर, प्लेन पर परपेंडिकुलर, इन दोनों को कंटेन कर, तो हमें इन दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन का नॉर्मल चाहिए क्या, जिसका मैं एबीसी से डॉट प्रोडक्ट करके जीरो तो निकाल लू नॉर्मल, जो इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर, एक वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर, क्योंकि इन दोनों को कंटेन करता है, तो उस प्लेन का नॉर्मल आएगा, इस लाइन को कंटेन करता है, ये दो लाइन है तो उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर, एक नॉर्मल का प्लेन का नॉर्मल आएगा, और वो प्लेन का जो नॉर्मल आएगा वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ में आया? तो नॉर्मल है 3, 4, 2, 4, 2, 3 कितना आ जाएगा, 4, 3, 12, 12 माइनस 4 8 आई क्या जी, 8 माइनस 9 माइनस जे प्लस जे क्या के, 6 माइनस 16 माइनस 10 क्या, ये सबको समझ में आया क्या किया? हाँ, अब वो उसका ए बी के साथ डॉट, 8 ए प्लस बी माइनस 10 सी, हाँ इसमें किसी को कोई डाउट क्या किया हमने? अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे यार, ये माइनस 30 माइनस 4 माइनस 34 बी माइनस 32 प्लस 20 52 कैलकुलेशन देखना थोड़ा, 2 माइनस 24 कैलकुलेशन देखे क्या सही किया आपने, तो कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को कंटेन करने, इन दोनों स्ट्रेट लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर, आई जे के 3, 4, 2, 4, 2, 3 8 इन एस जे, सर वो माइनस का होगा, माइनस जे होगा, यस सर, है ना, ये मिस्टेक हुई है, तो वो तो तभी चेंज हो जाएंगे, माइनस 30 प्लस 4 माइनस 26 माइनस 30 प्लस 4 माइनस 20 बी 32 और 20 52 सी में माइनस 2 माइनस 26 ए अपॉन 13 से डिवाइड कि 26 से ही चलेगा, माइनस 26 से डिवाइड, ठीक है, ये आ गए एबीसी, रख दो इसमें एक्स माइनस 2 वाई प्लस, समझ में आया कि सबको? हो गया, चलिए हो गया सभी का, एक और क्वेश्चन करें, the direction ratios of normal, the direction ratios of normal, to the plane, direction ratios of normal to the plane through the points, जीरो माइनस वन जीरो
एंड जीरो जीरो वन एंड मेकिंग एन एंगल. And making an angle pi by 4 with the plane. Y minus Z plus phi equal to 0. Options are 2 root 3, 1 minus 1, 2 root 2 minus root 2, 2 minus 1, 1, root 2, करेंगे. तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ये भी थी. अब वो प्लेन इन दोनों पॉइंट से पास होता है ना. प्लेन इस पॉइंट से भी पास होता है इस पॉइंट से. तो अगर मैं प्लेन की इक्वेशन लिखूं, ए एक्स माइनस जीरो प्लस बी वाई प्लस वन प्लस सी जेड माइनस जीरो है ना, वो प्लेन की इक्वेशन. अब वो इस पॉइंट से ही पास होता है, तो x की जगह जीरो रखा तो जीरो इंटू है, y की जगह भी जीरो लिखा तो वन इंटू भी, z की जगह वन रखा तो वन इंटू. एक एबीसी में अपनी एक इक्वेशन, तो प्लेन की इक्वेशन थी. ठीक है, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो एबीसी मान लिए, वो इन दोनों पॉइंट से पास होता तो एक इक्वेशन. अब वो प्लेन इस प्लेन के साथ पाई बाय फोर एंगल बनाता है, तो कॉस पाई बाय फोर लगाऊंगा. अपना जो प्लेन है वो है उसके डायरेक्शन, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो एबीसी वो इसके साथ, तो कॉस पाई बाय फोर. ए वन ए टू है ही नहीं जीरो, बी वन बी टू बी इंटू माइनस वन बी इंटू प्लस वन प्लस बी, सी वन सी टू माइनस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी. क्या ये समझ में आया कि सबको? कॉस पाई बाय फोर वन बाय रूट टू से रूट टू कैंसिल, बी माइनस सी ये रूट टू से रूट टू वन. ये समझ में आया कि सबको? ठीक है क्या यहां तक कैलकुलेशन? ठीक है, यहां तक कैलकुलेशन ठीक है क्या? क्या किसका मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा? हाँ, किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, बिल्कुल सही. ठीक है, किसका आ जाएगा? रूट टू से रूट टू कैंसिल, ठीक है, स्क्वेयरिंग कर लें क्या जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी. ए स्क्वायर प्लस टू बी सी इक्वल टू जीरो. और एक इक्वेशन, ये इक्वेशन टू, और एक इक्वेशन पहले ही निकाल चुके होता है. एक इक्वेशन क्या आ चुकी है यहां से? बी प्लस सी इक्वल टू जीरो.
यही थी ना ये इक्वेशन। हाँ तो क्या आएंगे, ए बी सी, बी प्लस सी जीरो होना चाहिए और ए स्क्वायर प्लस टू बी सी, बी सी मतलब चेक कर लो, निकालो जो दोनों दोनों ऑप्शन दोनों कंडीशन को चेक करता हो, वो दोनों कंडीशन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, वो आ जाए या तो आपका तो कोई एक ही ऑप्शन आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। बताएं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, वो तो चारों कर रहे हैं बी पहली इक्वेशन, ऑप्शन फोर बी प्लस सी तो चारों को कर रहे हैं। हाँ अब फिर ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व, टू बी सी ये नहीं किया, बी ए का स्क्वायर फोर टू बी सी, टू बी सी ये हो रहा है, देखो सेटिस्फाई बी बी सेकंड भी हो रहा है और टू बी फोर माइनस टू ये नहीं हो रहा सेटिस्फाई और ये हो रहा सेटिस्फाई, ये भी हो रहा है, ऑप्शन टू भी सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन फोर भी सेटिस्फाई, बताओ है ना ऑप्शन टू और फोर भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये 2019 का क्वेश्चन है, किसी को भी रिजेक्ट करने का कोई रीजन नहीं है ना। तो अब इसमें चेकिंग में ये होता है कि या तो क्वेश्चन बोनस किया हो, या जिसने टू लगाया हो वो भी चेक सही, सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी सही माने, किसी ने फोर दिया उसको भी सही माने, है ना, तो उन्होंने टू और फोर दोनों आंसर दे रखे। समझ में आया क्या, तो बोनस नहीं करते ऐसे केस में, बाई चांस ही होता है ऐसा, तो जिसने टू लगाया होता उसको भी सही मान लेते हैं, जिसने ऑप्शन फोर फिल किया होता उसको भी सही मान, बात समझ में आ गई क्या। 2019 का क्वेश्चन है, समझ में आ गया कि सभी को, हाँ सौम्य समझ में आ गया क्या, यस सर, है ना, तो ऑप्शन टू और फोर दोनों ही सही है, मतलब किसी को भी रिजेक्ट करने का कोई रीजन नहीं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास से हम कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, और मैं आज का असाइनमेंट अभी शेयर कर रहा हूँ, तो वो असाइनमेंट पूरा करना है, कल की छुट्टी है तो उसको यूज करना है छुट्टी को, वेक्टर 3D कंप्लीट करना अपना, वैसे वेक्टर तो फोर एक्सरसाइज फोर तक दे चुका था मैं आधा, 3D और बच रहा है वो भी कर लेंगे, है ना, तो अभी मैं असाइन करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर किसका है,